नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज हम बेडरूम के सारे सामानों का नाम इंग्लिश और हिंदी में एक एक करके जानेंगे। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखना मिस न करें। सब्सक्राइब करने में पैसा कोई थोड़े ना लगता है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ये है पायदान। पायदान को इंग्लिश में डोरमैट बोला जाता है। नेक्स्ट है दरवाजा। दरवाजा को इंग्लिश में डोर बोला जाता है। नेक्स्ट है खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में विंडो बोला जाता है। नेक्स्ट है शयन कक्ष। शयन कक्ष को इंग्लिश में बेडरूम बोला जाता है। नेक्स्ट है पलंग। पलंग को इंग्लिश में बेड बोला जाता है। नेक्स्ट है हेडबोर्ड। हेडबोर्ड को इंग्लिश में हेडबोर्ड या बेड हेड बोला जाता है। नेक्स्ट है पलंग। ये एक आदमी के सोने वाला बेड है, इसे सिंगल बेड बोला जाता है। नेक्स्ट है पलंग। ये दो आदमी के सोने वाला पलंग है, इसलिए इसे डबल बेड बोला जाता है। नेक्स्ट है साइका। साइका को इंग्लिश में बंक बेड बोला जाता है। ये भी एक प्रकार का बेड है, इसे फोर पोस्टर बेड बोला जाता है। नेक्स्ट है दीवान पलंग। दीवान पलंग को इंग्लिश में दीवान बेड बोला जाता है। नेक्स्ट है बेड के बगल में रखे जाने वाले मेज, इसे इंग्लिश में बेड साइड टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट है श्रृंगार मेज। श्रृंगार मेज को इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट है अलमारी। अलमारी को इंग्लिश में कपबोर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है टांगने वाला। टांगने वाले को इंग्लिश में हैंगर बोला जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों की अलमारी। कपड़ों की अलमारी को इंग्लिश में वार्डरोब बोला जाता है। नेक्स्ट है किताबों की अलमारी। किताबों की अलमारी को इंग्लिश में बुक केस बोला जाता है। नेक्स्ट है दराज। दराज को इंग्लिश में ड्रावर बोला जाता है। नेक्स्ट है आभूषण रखने वाला बॉक्स, इसे इंग्लिश में ज्वेलरी बॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में सेफ बोला जाता है। नेक्स्ट है कुर्सी। कुर्सी को इंग्लिश में चेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है तिपाई। तिपाई को इंग्लिश में स्टूल बोला जाता है। नेक्स्ट है गद्दा। गद्दा को इंग्लिश में मैट्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट है रजाई। रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है चादर। चादर को इंग्लिश में बेड शीट बोला जाता है। नेक्स्ट है तकिया। तकिया को इंग्लिश में पीलो बोला जाता है। नेक्स्ट है तकिया का कवर। तकिया के कवर को इंग्लिश में पीलो केस या पीलो स्लिप बोला जाता है। नेक्स्ट है मसनद। मसनद को इंग्लिश में बोलस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है कंबल। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोला जाता है। नेक्स्ट है रात को पहनने वाला, इसे इंग्लिश में नाइट वियर बोला जाता है। नेक्स्ट है ओढ़ने वाली चादर। ओढ़ने वाली चादर को टॉप सीट बोला जाता है। नेक्स्ट है मच्छरदानी। मच्छरदानी को इंग्लिश में मॉस्किटो नेट बोला जाता है।
नेक्स्ट है पर्दे। पर्दे को इंग्लिश में कर्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है पर्दा टांगने का डंडा, इसे इंग्लिश में कर्टेन रेल बोला जाता है। नेक्स्ट है दरी या कालीन, इसे इंग्लिश में कारपेट बोला जाता है। ये है कालीन, कालीन को रग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी को इंग्लिश में वॉल क्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रबोधन घड़ी, प्रबोधन घड़ी को इंग्लिश में अलार्म क्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन, दूरदर्शन को इंग्लिश में टेलीविजन बोला जाता है। नेक्स्ट है पंखा, पंखा को इंग्लिश में फैन बोला जाता है। नेक्स्ट है मेज लैंप, मेज लैंप को इंग्लिश में टेबल लैंप बोला जाता है। नेक्स्ट है पढ़ने वाला लैंप, पढ़ने वाला लैंप को इंग्लिश में रीडिंग लैंप बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश नलिका, प्रकाश नलिका को इंग्लिश में ट्यूब लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब को इंग्लिश में लाइट बल्ब बोला जाता है। नेक्स्ट है शीशा या दर्पण, शीशा या दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। नेक्स्ट है दूरभाष, दूरभाष को इंग्लिश में टेलीफोन बोला जाता है। नेक्स्ट है तापक, तापक को इंग्लिश में हीटर बोला जाता है। नेक्स्ट है वायुशीतक, वायुशीतक को इंग्लिश में एयर कूलर बोला जाता है। नेक्स्ट है शीतक यंत्र, शीतक यंत्र को इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है फर्श, फर्श को इंग्लिश में फ्लोर बोला जाता है। नेक्स्ट है खूंटी, खूंटी को इंग्लिश में हुक बोला जाता है। नेक्स्ट है दीवारी कागज, दीवारी कागज को इंग्लिश में वॉलपेपर बोला जाता है। नेक्स्ट है चित्र, चित्र को इंग्लिश में पिक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है पंचांग, पंचांग को इंग्लिश में कैलेंडर बोला जाता है। नेक्स्ट है जूते, जूते को इंग्लिश में शूज बोला जाता है। नेक्स्ट है चप्पलें, चप्पलें को इंग्लिश में स्लीपर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कूड़ादान, कूड़ादान को इंग्लिश में डस्टबिन बोला जाता है, कूड़ादान को इंग्लिश में डस्टबिन बोला जाता है। और आज का सवाल, अलार्म क्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकते। जब तक खुश रहिए, आवाज रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए।